नमस्कार सभी साथियों को, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक आपने जितना भी समझा, मैं आपको निवेदन करता हूं कि जो नया साथी है वो एक बार पुरानी जो सीरीज की 8-10 वीडियोस हैं वो सब देखिए, उसके बाद ये समझ आने वाला है कि हम क्या बात कर रहे हैं। और जो साथी लगातार जुड़े हुए हैं वो गहराई से समझना इस बात को। साथियों आप देखना, अभी ये जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको बर्थ डिफेक्ट्स है बहुत ज्यादा। बर्थ डिफेक्ट्स में क्या है, मेन 5 बर्थ डिफेक्ट जो है जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं उनमें है सिर से रिलेटेड, जो दिमाग से रिलेटेड है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें पीछे गांठ बन जाएगी और उसमें गांठ लटक के और एक फोड़ा बन जाएगा जो कैंसर टाइप का होता है, वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। दूसरे नंबर पे जो है क्लेफ्ट लिप, उसको कट आउट बोलते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो फोटो आ रहा है उस पे, यहां पे एक समस्या है कि ये होंठ कटा हुआ मिलता है, किसी का थोड़ा होता है, किसी का बहुत नाक के अंदर तक बहुत गहराई तक वो कटा हुआ होता है, तो क्लेफ्ट लिप इसका एक कारण है। इस पर बात करेंगे कि क्यों कहते हैं और क्या इस खाने के लिए कहते हैं इसमें। ये जो डॉक्टर है ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 9 महीने तक ये उसको ठीक करने के लिए ये कहते हैं कि ये चीज खाइए, ये दवा खाइए तो ये क्लेफ्ट लिप वाली समस्या नहीं आएगी। तीसरे नंबर पे आता है हार्ट डिफेक्ट। हार्ट डिफेक्ट में एक समस्या आती है कि जो वाल्व है मिसशेप्ड होती है, मिसशेप्ड वाल्व होती है जिसमें कई बार कहते हैं कि वाल में छेद है या वाल सही नहीं है, कई बार कहते हैं कि हार्ट जो है अपनी जगह पे नहीं है, वो एक समस्या है बर्थ डिफेक्ट की। फिर एक है स्पाइना बाइफिडा उसको बोलते हैं, उसमें कमर का फोड़ा बोला जाता है। होता ये है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें कुछ डिफेक्ट आता है और एक बाहर की तरफ कमर में फोड़ा बन जाता है, जो आपकी बैक साइड है कि हिप से ऊपर वहां पे एक फोड़ा बन जाता है, वो एक बड़ा रोग है। तो ये 3-4 टाइप के रोग है, सिर का रोग है, छाती का यानी दिल का रोग है, फिर फोड़े का रोग है और होठ का कटा हुआ रोग है। ये मेन 4-5 बीमारियां हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स में आती है। अब इसको डॉक्टर क्या कहते हैं, आज के जमाने को देखेंगे और फिर बाद में बात करेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या कहा है, हमारे ऋषियों ने क्या कहा है। कहते हैं कि जो क्लेफ्ट लिप है, जो कटा होठ है, वो फोलिक एसिड की कमी के कारण से होता है, ये डॉक्टर कहते हैं। अब ये पूरा 9 के 9 महीने खिलाते हैं गोलियां, वो होती है फोलिक एसिड की। अब उसमें क्या होता है ये नहीं पता, तो 9 के 9 महीने दवाओं पे रखा जाता है। हार्ट डिफेक्ट्स में आता है, उसमें कहते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी में कुछ समस्या रही होगी, आपने सही टाइमिंग नहीं थी या उनको कुछ पता नहीं होता, तो वो कुछ भी कह के उसको बाईपास कर देते हैं। जो आज की एलोपैथिक जो एरिया है उसको इस बारे में कुछ भी समझ नहीं है और वो असली कारण आपको बताएंगे भी नहीं। अगर दिमाग के कैंसर की बात है या फिर कमर के कैंसर की बात है तो वो ये कहेंगे कि भैया ना कुछ डिसऑर्डर रहा होगा, हो गई बीमारी, आजकल तो बहुत होती है। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे यू आर ईटिंग केमिकल फूड्स, टोटली हजार्ड केमिकल फूड्स यू आर ईटिंग, आप पूरी तरह केमिकल वाला खाना खा रहे हो, जहरीला खाना खा रहे हो और आपका जो रहन सहन है, जो आपका सुबह दिनचर्या है वो बहुत खराब है। सुबह आप जल्दी नहीं उठते हो, देर से सोना, बाहर का खाना, ये कभी नहीं बताएंगे क्योंकि इससे उनका बिजनेस प्रभावित होता है। तो असल में समस्या है कि जो ये सारी चीजें ये ना बता के वो बात करते हैं कि आप दवाइयां खाइए ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो समस्या आती है वो गर्भाधान में क्यों आती है। इसका कारण है कि गर्भाधान में समस्या का कारण है कि वो चीजें खाना, वो काम करना जो इस समय नहीं करने चाहिए और जो चीजें इस समय नहीं खानी चाहिए, ये है इसका बड़ा कारण। अब क्या है इसमें, एक तो है टाइम,
टाइम है कौन सा टाइम, जब आप गर्भाधान के लिए जा रहे हैं, जब आप रिलेशनमेंट कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, वो ये कहते हैं। तो मैं आपको इसमें पढ़ के ही बता देता हूं थोड़ा कि जो आदमी है वो पूरी तरह कर्म के अधीन तो होता ही है, अपने कर्मों से ही वो चलेगा और कर्मों से चलेगा तो उसका उसका फल भी मिलता है। लेकिन उसके कर्म अगर प्रकृति के अलग चले जाए तो वो कर्मों का फल भी उसको सही नहीं मिलेगा। जैसे मुझे किसी को एक्सरसाइज करनी है और हेल्थ बनानी है, जैसे आजकल बॉडी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं लोग, सिक्स पैक बनाने हैं, बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो क्या करते हैं 3 बजे भी जिम करेंगे, कोई 12 बजे जिम कर रहा है, कोई 8 बजे जिम कर रहा है, कोई रात को 10 बजे जिम कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस समय काम करते हैं। आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लीवर है, जैसे आपके फेफड़े हैं, जैसे आपका स्टमक है, जैसे आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये किस किस समय काम करते हैं, आपकी किडनी किस समय काम करती है, वो उनको पता नहीं है। इस पर हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। अब जब ये नहीं पता है और हम किसी टाइम पे कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वो बर्बादी का कारण बनेगा। तो वो जो आपके कर्म है मेहनत के, वो आपको किसी न किसी गलत रास्ते पे ले जाएंगे अगर आप प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे, तो ये मेरा कहना है। तो ये ग्रंथ कहता है कि आपका पुरुषार्थ काम तो करता है, लेकिन देव, देव किसको बोलते हैं, जो देने वाले हैं, जैसे देवता बोला जाता है वैदिक विधान में, देवता होता है देने वाला, और देने वाला कौन है, माता पिता है वो देवता है, गुरु है वो देवता है, पति के लिए पत्नी देवता है, पत्नी के लिए पति देवता है, वो जीवन में उनके एक सहयोगी है। तो ये 5 देवता है जिनको बोला जाता है जिंदा यानी चेतन देवता। कुछ बोलते हैं जड़ देवता, जड़ देवता जो आपको सीधा ही मतलब सीधा नहीं देंगे, वो आपको वैसे बिना बताए ही देने वाले। सूर्य आपको जीवन देता है, पृथ्वी आपको जीवन देती है, पानी आपको जीवन देता है, हवा आपको जीवन देती है। तो प्रकृति में जो ये सारी चीजें हैं ये देवता हैं। तो ये जो जड़ देवता हैं, जो आपको जड़ हैं और लेकिन देने वाले हैं, उनके अनुसार यानी प्रकृति के अनुसार भी आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है। तो उनके अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। जैसे ये कहते हैं कि गर्भाधान के लिए मासिक यानी पीरियडिकल टाइम के दिनों के बाद गर्भाधान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। पूरी शुद्धि के बाद, जैसे हमने पीछे सीरीज में बात कर ली है, गर्भाधान के बाद पूरे शरीर की शुद्धि के बाद गर्भाधान करना चाहिए। गर्भाधान की तिथि का भी विचार करना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात कही है, चंद्रमा का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, क्योंकि जो ये मासिक है ये चंद्रमा के अनुसार चलता है। तो ये चंद्रमा का जो सिस्टम है, ये इसके बाद में नक्षत्रों से भी जुड़ता है। पूरा साल भर नक्षत्रों से होकर गुजरती है धरती, तो नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है। तो कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जहां पे शरीर पे नकारात्मक प्रभाव रहता है, उस समय में आपको गर्भाधान नहीं करना है। और उस समय में अगर गर्भाधान करोगे तो नेचुरलिस्टिक सिस्टम के कारण आपकी बॉडी में डिफेक्ट्स आएंगे और उन बॉडी डिफेक्ट्स का रिजल्ट आपके बच्चों के ऊपर डिफेक्ट्स में होने वाला है। तो ये एक बड़ी बात है। इसमें जैसे कुछ बातें कही हैं, आपको ये फिर स्पेशल बात करनी पड़ेगी एक बार। 27 नक्षत्र हैं जिनमें 12 हमारे महीनों के अनुसार 12 हैं मुख्य, लेकिन जो उप नक्षत्रों में आएंगे वो हैं भरणी, आश्लेषा, मघा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा यानी अषाढ़ मास का की शुरुआत, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद यानी भादवा भाद्रपद महीने का शुरुआत। इन नक्षत्रों में यदि मासिक शुरू होता है तो गर्भाधान नहीं करना चाहिए। बहुत बार बच्चों के लिए औषधियों के बाद औषधियां भी ले लेते हैं इन नक्षत्रों में बच्चा जल्दी पैदा करने के लिए, लेकिन वो परिणाम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नक्षत्रों में मासिक धर्म आया है और उस पे शरीर का नकारात्मक असर रहा है। आयुर्वेद की संहिताओं में एवं वैदिक साहित्य में उत्तम गर्भ की प्राप्ति यानी दिव्य आत्मा के अवतरण के लिए कुछ नियम बताए हैं और कुछ नक्षत्रों में निषेध बताया गया है। तो जो गर्भाधान का निषेध है, जिसके कारण
ये अगर ये मान लिया जाए तो ये सारे डिफेक्ट्स हैं जैसे आप फोटो देख रहे हो वो नहीं होने वाले हैं, जैसे कहा गया है जो नहीं करना है, एक गंडांत बोला गया है, तीन गंडांत, इसको कोई विशेषज्ञ से ही बात करेंगे, ये मुझे भी पहली बार मुझे सुनने में आया है, तीन गंडांत इसकी जानकारी विशेषज्ञ से बात करेंगे किसी दिन बैठा के। दूसरा पति और पत्नी का जन्म नक्षत्र, अगर उन दोनों के नजदीक है, जन्म नक्षत्र के नजदीक है, तो उस समय में आप गर्भाधान न करें। तीसरा है पति पत्नी के माता पिता की या उसके परिवार जन में किसी की पुण्यतिथि मृत्यु तिथि कि भाई वहां पे, क्योंकि उस समय में वो बातें याद आती हैं और वो नकारात्मक भी दिमाग में रहता है तो वो समस्या आती है। ग्रहण का दिन या रात, वो भी एक समस्या रहती है। तीन नक्षत्र है अश्विनी, रेवती और मघा, इनमें कभी नहीं करना चाहिए। और भद्रा षष्ठी, भादवे की छठ और रिक्ता तिथि, ये जो है इनमें कभी भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकृति का इस पे डायरेक्ट असर होता है। तो अब बात आती है ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनमें दो तरीके से या तीन तरीके से प्रभाव पड़ता है। एक तो प्रकृति का जो इसमें निषेध बताया गया ये नहीं करना है। दूसरा आपके खान पान का कि भाई आपको केमिकल वाला खा रहे हो, आप फास्ट फूड खा रहे हो, आप दुकान का सारा डिब्बा बंद खा रहे हो, प्रेजर्वेटिव युक्त, इतना सारा प्रेजर्वेटिव में केमिकल खा रहे हो, तो वो सारा का सारा आपको सोचना है। और अगर ये आपको समझ आता है तो पूरा का पूरा सिस्टम आप समझ सकते हो। तो अपने बच्चों को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो ये खाइए और ना खाइए ये ध्यान रखना है। इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, जो नए साथी हो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर घर तक हम ये जानकारी पहुंचा सकें। आप सब ने इतना समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुराने साथी हैं वो लाइक शेयर कमेंट करिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। अपना जो प्रयास है जनता सरकार मोर्चा का वो है कि भाई हम अपने पूरे समाज को केमिकल मुक्त, रोग मुक्त कर दें और स्वस्थ समाज की कल्पना के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।